हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू स्टूडेंट फाइन ओके सो इज़ अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश इंग्लिश में आज हम क्या करेंगे लुक एंड राइट द अल्फाबेट। यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, उसको आपको देखना है और अपनी फोर लाइन की नोटबुक में फोर लाइन के अंदर इस अल्फ़ाबेट को लिखने की प्रैक्टिस करनी है कैसे करोगे स्टूडेंट स्पीक एंड राइट तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा लेटर दिया है ई ई ई का पिक्चर्स दिया है ना स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन स्लीपिंग लाइन एंड स्लिपिंग लाइन ई फोर एलिफेंट ई फोर एलिफेंट दूसरा कौन सा अल्फाबेट दिया है स्टूडेंट बी बीफोर बोल बीफोर बॉल फिर एफ एफ फोर क्या होता है स्टूडेंट फिश आप सबने देखी है ना एफ फोर फीस विच लेटर इज दिस एफ कैपिटल लेटर एफ एफ फोर फीस नेक्स्ट कैपिटल लेटर ए ए फोर एप्पल ए फोर एप्पल नेक्स्ट सी ये कौन सा लेटर है स्टूडेंट कैपिटल लेटर सी हाफ सर्कल बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट कैपिटल लेटर सी सी फोर केट C four candle. Next capital letter H. H four horse. H four house. Standing line. Standing line. Sleeping line. H four. House. H four. Horse. Next one. Capital letter. I. I four. आइसक्रीम आप सबको पसंद है ना स्टूडेंट आई फोर आइसक्रीम आई फोर आइसक्रीम नेक्स्ट कैपिटल लेटर के के फोर काइट आप सबने देखी है ना स्टूडेंट काइट उत्तरायण में आप लोग फ्लाई करते हो ना कैपिटल लेटर उसके बाद कैपिटल लेटर एम एम फोर मैंगो एम फोर मैंगो नेक्स्ट कैपिटल लेटर जे जे फोर जोकर जे फोर जोकर जे फोर जोकर, जे फोर जोकर। तो देखा स्टूडेंट ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना कितना इजी था इजी था ना स्टूडेंट तो आपको भी अपनी इंग्लिश की फोर लाइन की नोटबुक में इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है कैसे करोगे स्पीक एंड राइट